सभी को गणगौर की बहुत बधाई। ये गणगौर का पर्व सभी माताओं को आने के लिए सभी माताएं बहनें अपने स्वाहाग की लंबी उम्र के लिए करती हैं, अपने घर की शांति के लिए करती हैं। सभी माताओं को उन्होंने गणगौर की फिर से मिली तरह से बहुत बहुत बधाई। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा शक्ति है। सभी माताएं बने आज सभी गणगौर जी से गणगौर की पूजा की है। सभी सुहाग ने अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए गणगौर पूजा करने के लिए और माता पार्वती शिव शंकर से सभी ने अपने व्रत की करती है और पूजा करती है। उसी के साथ सभी गणगौर जी फिर से गणगौर बधाई। धन्यवाद। मैं संध्या रावल पाशा नगर से प्यारी गोरलिया आखन से काजल लुटा गई रे।
कर प्यारी गोरलिया आ गई आ गई आ गई रे इसर प्यारी गोरलिया आ गई आ गई रे इसर प्यारी गोरलिया गोरे गोरे पैरों में मावर लगी है गोरे गोरे पैरों में मावर आ गई रे इसर प्यारी गोरलिया आ गई आ गई रे इसर प्यारी गोरलिया गोरे गोरे पैरों में मावर लगी है गोरे गोरे पैरों में मावर लगी है सारी भक्तन को मावर लुटा गई रे इसर प्यारी गोरलिया पांवों में ते मावर लुटा गई रे इसर प्यारी गोरलिया आ गई रे इसर प्यारी गोरलिया तोला सिंगार करके आई गोरलिया तोला सिंगार करके आई गोरलिया सुहागनों को अमर बना गई रे इसर प्यारी गोरलिया सुहागनों को अमर बना गई रे इसर प्यारी गोरलिया आ गई आ गई आ गई रे इसर प्यारी गोरलिया छोड़ कर घूमर घूमर घूमे भर के ढोला वाले थाट घूमर 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 वैसा घूमर घूमे मार सारी काया बोले ढोला जी की छाया होने मन का घूमर जब भी डोले सोने पन में मेला भर के ढोला वाली था नमस्कार दर्शकों, मैं तुषार दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पूरे राजस्थान भर में गणगौर का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें सभी सुहागिन महिलाएं इस पर्व को काफ़ी अच्छे से मना रही है और कुंवारी युवतियां भी इसकी पूजा कर रही है। तो हमारे साथ में यहां पर महिलाएं मौजूद है जिनसे हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सीमा वर्मा। क्या कहना चाहेंगे आज गणगौर पर्व के बारे में आप? गणगौर पर्व बहुत मशहूर है और ये सुहागनों के लिए अपनी लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है, अपनी सुहाग की लंबी उम्र। आपका नाम क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि हम आज यहाँ इकट्ठी हुई हैं तो सभी सुहागिन महिलाएं हम गणगौर की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे और पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता दिन तक है। और आज हम यहाँ इकट्ठी हुई हैं और अपने पति और अपने बच्चों की लंबी उम्र और घर में सभी खुशहाल रहे इसके लिए हमने ये व्रत रखा है। जी, आपका नाम? सरिता वर्मा। जी, आप हमें बताइए किस प्रकार से गणगौर का पर्व है, इस पर महिलाएँ गणगौर की पूजा की जाती है? ये सभी सुहागन स्त्रियों के लिए होता है और बाकी कुंवारी कन्याओं के लिए भी होता है, क्योंकि उनके अच्छा वर मिल सके और सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र दीर्घायु के लिए कर सके। किस प्रकार से गणगौर की पूजा की जाती है? ये इसमें गोने बनाए जाते हैं, 16 गोने से अपनी सुहागन गणगौर माता को पूजती है। इसमें महादेव जी और देवी पार्वती जी की पूजा की जाती है। जी, आपका नाम? रेखा वर्मा। आपने आज गणगौर की पूजा की है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें गणगौर की पूजा करने में बहुत उत्सव है, बहुत अच्छा लगता है गणगौर की पूजा करने में। 16 श्रृंगार करके गणगौर की पूजा करने आते हैं, बड़े उत्सव के साथ गणगौर की पूजा मनाई करते हैं हम। बहुत अच्छा लगता है हमें, ये त्यौहार है, लेडीज़ों का त्यौहार है ये, और सभी लेडीज़ों को बड़ा उत्सव से प्रोग्राम करना चाहिए, ये मनाना चाहिए ये त्यौहार। जी, अभी जाना आपने कि किस प्रकार से यहाँ पर सभी महिलाएं काफ़ी खुश नजर आई है। तो इसी प्रकार और खबर जानने के लिए जुड़े रहिए दर्शन के साथ, जो है आपका अपना विश्वास है।